मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 14 फरवरी को भिमंडी के कॉलेज के बाहर मामूली विवाद की घटना में युवक के एक गिरोह के एक नाबालिग लड़के का अपहरण कर लिया गया था और उसकी पिटाई की गई थी। बुधवार को मुंबई में इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई, जिससे उसकी मौत की खबर सामने आई और धामनकर नाका से लेकर बरहाला देवी रोड कामत घर तक इलाके में तनाव का माहौल बन गया और मारपीट की घटना भी यहां सामने आई है। नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करने लगे। मरने वाले युवक का नाम सुनील भोसले बताया जा रहा है। 14 फरवरी को देव कैलाश धोत्रे ने शहर के BNN कॉलेज के बाहर उसके साथ मौजूद युवकों के बीच में विवाद हुआ था और कैलाश धोत्रे के साथ में कुछ लोग और भी थे, जिन्होंने संकेत भोसले का अपहरण कर लिया और उसे अपने इलाके में ले जाकर बुरी तरह से पीटा था। इस बीच जिंदा रहने की उसकी लड़ाई विफल हो गई और दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर सामने आई, बरहाला देवी नगर इलाके में शोक की लहर फैल गई और नाराज नागरिकों ने धामनकर नाका से कामत घर रोड तक मार्च निकाला। इस रोड पर दुकानों में और यातायात रोककर अपना गुस्सा जाहिर किया, लोग सड़क पर उतर गए थे। वहीं अब ये बताया जा रहा है कि इस वारदात में जो आरोपी थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। 14 तारखेला दुपारी साधारण 2 दरमियान BNN कॉलेज जे नारपोली पुलिस की हद्दीत है त्यासमोर धोत्रे जे नारपोलीत राहतात आणि त्यांचे काही मित्र होते ते तिथून रस्त्याने चालले होते, त्यामधून जाताना धक्का लागला, त्यावरून त्या एकमेकाला राग आला आणि त्यामधून नंतर जमून वेगवेगळ्या ठिकाणी जमून लोकांनी एका दुसऱ्याला मारहाण केलेली आहे। त्यामध्ये भिवंडी शहरात 2 गुन्हे दाखल झालेले आहेत। त्यामधील जो एका गुन्ह्यातला जो आरोपी जख्मी होता तो मुंबईला ॲडमिट होता, उपचार चालू होता, परंतु आज रोजी सकाळी त्याचा ते मयत झालेलं आहे। त्यावरून थोडासा इथं कायदा व सुरक्षा प्रश्न निर्माण झालेला होता, परंतु जे कारवाई जे आहेत कायदेशीर त्या पोलिसांनी केलेले आहेत। एका गुन्ह्यामध्ये 3 आरोपी, एकामध्ये 1 आरोपी अटक केलेले आहेत, 2 क्रॉस आहेत 307। आता जिथं ज्या गुन्ह्यामध्ये मयत झाले त्यामध्ये 302 बी आम्ही वाढवलेले आहे आणि त्याचा तपास सुरू आहे। जे फरार आरोपी आहेत 8 आरोपी एका गुन्ह्यातले, त्यांच्यावरती आमचे स्क्वॉड आम्ही नेमून त्याचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे। पोलीस प्रॉपर आम्ही कायदेशीर काम करतो आहे, परंतु असं समजतं की इथे रस्ता अडव तिथे रस्ता अडव, वेगवेगळ्या क्लिप दे किंवा काय कर, बॉडी ताब्यात न घे, ह्या गोष्टी काय बरोबर नाहीत। पोलिसावरती विश्वास ठेवा तुम्ही, पोलीस आपलं काम प्रॉपर करेल, पोलीस कुठलाही भेदभाव करत नाही। चुकीचा गैरसमज पसरू नये कुणीही, चुकीचं सोशल मीडियावरतीसुद्धा कुणी काही टाकू नये असं माझ्या लोकांना आवाहन करतो मी, आणि जनतेनेसुद्धा ह्यामध्ये पोलिसांना सहकार्य करावं। भिवंडी तसं आता शांततेचं शहर आहे, लोकांनी कुणी कायदा हातात घेऊ नये, रस्ता अडवणे ह्या गोष्टी करू नये, बॉडी घेऊन त्याचं इमान इतबारे आणि प्रॉपर याने त्याचं विधी करावा असं मी आवाहन करतो। कुणीही रस्ता अडवून हातात कायदा घेऊ नये, तसं काय कायदे तोडले तर पोलीस सक्षम आहे त्या गोष्टीसाठी। आम्ही आमच्या कारवाई करायला आम्ही सक्षम आहोत, आम्ही ते कारवाई करू।